गाइस वेलकम बैक टू डेन ऑफ स्मैलनेस और आज हम जा रहे हैं मॉडल टाउन। अरे नंबर क्या नाम है उसका, नाम क्या है, जयपुर चौपाटी है। तो गाइस आज हम जा रहे हैं जयपुर चौपाटी जो कि है मानसरोवर में SFS के पास में, और वहां जाकर के देखेंगे कैसी क्या है वो जगह, क्या वहां का एनवायरनमेंट है। मतलब देखने करने में तो काफी सुंदर लगती है वो, मैंने एक दो जनों की स्टोरी भी देखी है तो मतलब काफी अच्छी लगी मुझे, काफी अट्रैक्टिव जगह लगी। और नूपुर को बोल रहा हूँ मैं जल्दी चलते हैं, अभी रोशनी है बाहर बट अभी भी रेडी नहीं हुई, और मैं सोच रहा हूँ आते टाइम पर उसको तिब्बत के मार्केट में छोड़ आऊं क्योंकि वो लग वैसी रही है थोड़ी सी, उनकी जैसा फेस कट है ना उसका। लेट मी शो यू। तो गाइज अभी हम निकलेंगे वहाँ पे और मिलते हैं आपको डायरेक्ट उसी लोकेशन पे। और मैंने सुना है कि वहाँ की जो एक चाय है ना वो बहुत फेमस है, काफी अच्छी लगती है लोगों को, और मैं खुद चाय का शौकीन हूँ तो चाय जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम आपको डायरेक्ट वहीं पे, बाय। ये जो पार्क आप देख रहे हैं चौपाटी के जस्ट अपोजिट साइड वाला द्वारकादास पार्क, वो एक नॉर्मल पार्क है। तो एक बार आपको मैं विजिट करा देती हूँ उस पार्क में है क्या, हम भी फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं तो हम मेरे साथ आओ। गाइस ये है द्वारका जी जिनके नाम पे ये पार्क है, और ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ये पूरा सब कुछ इनका सामने लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो। और ये नॉर्मल ऑर्डिनरी सा पार्क है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा कुछ खास है नहीं। अपन जिस मेन पर्पज से आए नूपुर वो है सामने वाली चौपाटी, और सामने चौपाटी रही, चौपाटी में चलते हैं वहाँ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मास्क लगा क्या है, मास्क के बिना एंट्री नहीं है यहाँ। तो गाइस कुछ इस तरीके से टिकट लेनी पड़ती है इसके अंदर आने के लिए, 10 रुपए पर पर्सन, मास्क होना जरूरी है, मास्क के बिना अंदर नहीं घुसाएंगे आपको। और कुछ इस तरीके का व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है, मतलब देखने में बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे सारी सिटिंग्स हो रखी है और ये चारों तरफ दुकानें लग रखी है, यहाँ पे सिर्फ फोटो खिंचाने का है और वहाँ पे कुछ और दुकानें भी लग सकती है। आ जाओ नूपुर, उधर नहीं आ जाओ। काफी रोकने की कोशिश की मैंने नहीं, लेकिन नहीं रुकी है, लेकिन कुछ नहीं लगी है। ये फोटो खिंचाने का स्पॉट है, यहाँ से फोटो खिंचा सकते हो बहुत अच्छी अच्छी, बाकी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है ये जगह। ये तो लास्ट में जाने वाली जगह है, आइसक्रीम सब कुछ खा को आकर के वो खाते हैं ना लास्ट में। हाँ, जो अपन खाएंगे अपन कुछ नहीं खाएंगे। तो गाइस एक बहुत ही सुंदर फाउंटेन देखने को मिला है हमें, और दूसरा फाउंटेन ये, क्योंकि इसके अंदर से आग की ज्वाला कभी भी भड़क सकती है, कोई भरोसा नहीं है इसका। ये सीट्स रिजर्व है और इसके आगे जो जगह है वहाँ पे लाइव शो होता है, इस वजह से शायद ये रिजर्व है, मेरे को आइडिया नहीं है सच में रीजन यही है क्या इसके पीछे, बट जहाँ तक मेरा अंदाजा है रीजन तो यही है इसके पीछे। और भी सारी जगह है, वो उधर बैठने की जगह है और वो उधर बैठने की जगह है, और ये तो पूरे बीच में है ही, पूरी हर चारों तरफ शॉप्स है, यहाँ पे हर टाइप की शॉप है, एयरपोर्ट है, दाना पानी में सिर्फ दाना पानी ही मिलता होगा, दाना और पानी तो पड़ा ही है, पानी ये तो कौन पैसे देगा, सिर्फ दाने मिलते होंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वाओ अमेजिंग, अ राउंड ऑफ अप्लॉज। क्या बोला तूने? अ राउंड ऑफ अप्लॉज। क्या बोली? क्या बोली तो एक बार बोलोगी, वापस बोलोगी प्लीज? नहीं बोलो, भगवान पसंद नहीं बोलो, मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस भी आता, मुझे ऐसा लगता है मैंने गलत बोल दिया क्या। नहीं तुमने बहुत सही बोला है, पता है भगवान से नहीं। मैं व्लॉग ही खत्म कर दूंगा, कर दो, मैं भगवान से होकर व्लॉग नहीं बनाऊंगा इसके बाद। गेल सब भी जाल राउंड ऑफ अफसोस। और भी यहाँ पे काफी सारी शॉप है, गोपाल बताशी भंडार, बताशी पिज्जा विज्जा सारी चीजें मिल सकती है आपको, छोले भटूरे, श्री बॉम्बे पाव भाजी, पंडित कुल्फी, और भी काफी सारी चीजें हैं। गाइस ये जगह और बैठने की है, मतलब अगर आप लोगों की सिटिंग थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब आपके परिवार में करीबन जॉइंट फैमिली है या फिर बच्चे ज्यादा है, आप लोगों के लिए स्पेशल सीट है यहाँ पे। कितने जने बैठ सकते हैं? 2, 3, 3, 6, 3, 9, मतलब आराम से इजिली 10 जने बैठ सकते हो आप इस सीट पे, और अपने खाने का लुत्फ उठा सकते हो। फैमिली के लिए प्रॉपर जगह है, फैमिली के लिए है पूरा ये, मतलब आराम से आपके अगर पेरेंट्स घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो पर्सनली मैं बता रहा हूँ, आप अपने पेरेंट्स को ऐसी जगह पे लेके आओ, उनको सच में इतना अच्छा लगने वाला है ना, बहुत अच्छा लगने वाला है, मतलब बहुत अलग सी फीलिंग है यहाँ के लिए। क्यों भाई? बेसिकली ना यंगस्टर्स इन सब के लिए नहीं, फैमिली के लिए ही बना हुआ है ये ना, मतलब वाइब भी फैमिली वाली है।
तो भाई ज्यादा खाना खाने के बाद में अगर किसी को पोटी वोटी आए तो ये तो हाथ धोने का है। सो नो ड्रिंक एंड वॉश। अच्छा, एक तरफ पानी पीने का, एक तरफ हाथ धोने का, एक तरफ पानी पीने का। कौन डिलाइट 70 रुपए का, 80 रुपीज का? नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो? जो कौन डिलाइट है ना वो आएगा 80 रुपए का, 7 इंच का। 89 लिखा हुआ। हाँ, तो मतलब 90 रुपीज का 7 इंच का है। 79 था वहाँ, 7 इंच का है बस। गाइस, हमें यहाँ पे व्लॉग बनाने के अंदर काफी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि गाने बज रहे हैं, क्योंकि लाइव कॉन्सर्ट अभी तक चालू नहीं हुआ है। कॉन्सर्ट होता है क्या वो? कॉन्सर्ट तो बहुत बड़ा होता है ना। कॉन्सर्ट ही बोलते हैं जो भी होता है, मतलब लाइव जो भी गाने गा रहे थे वो अभी चालू नहीं हुआ है। तो तब तक ऐसे इन स्पीकरों के अंदर बजेगा और ये स्पीकर बज रहे हैं, अभी भी बज रहे हैं। तो मैं जैसे तैसे करके इसको तो एडिट करूंगा, बट मैं कंटिन्यूअस यूज नहीं कर पा रहा हूँ कैमरे का, गाने भी इतने भयंकर बज रहे हैं। अभी बजा जय जय शिव शंकर। खैर वो तो चलो इनके है। और बाकी गाइस, यहाँ पे प्राइस वगैरह थोड़े से ज्यादा है, मतलब कि चीप नहीं कह सकते आप इसको, और वेरी वेरी एक्सपेंसिव भी नहीं कह सकते, बीच की रखते हैं। और इनकी भी ज्यादा कुछ गलती नहीं है, क्योंकि इनको रेंट वगैरह निकालना होता है। यहाँ एम्बियंस के हिसाब से सही प्राइसेस है। देखो अभी हम जिस जगह पे बैठे ना, मतलब पूरा आगे तक का व्यू आ रहा है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये पूरा एरिया यहाँ पे सबसे अच्छी चीज तो मेरे को बैठने की लगी, बढ़िया, सबसे बढ़िया। और बाकी ये 110 रुपीज जो चार्ज कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से मेंटेनेंस की चार्ज कर रहे हैं। कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी, मतलब है तो खाने के मामले में सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, चाट वाट से लेकर के पिज्जा विज्जा सारी चीजें, आइसक्रीम, डेजर्ट्स और ना चाट पापड़ी, पिज्जा, पास्ता, एवरीथिंग। मतलब जैसे पिज्जा से स्टार्ट होकर के शॉप है, उसके बाद में राजस्थानी व्यंजन है और विदेशी है, मतलब बहुत सारी चीजें, पाव भाजी, छोले भटूरे, और आगे जाते जाते गजक वजक भी सारी चीजें हैं यहाँ पे। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी देर में पिज्जा ऑर्डर करते हैं, और विद इन 15 मिनट्स आई गेस कि वो लाइव कॉन्सर्ट भी चालू होने वाला है, फिर वहाँ पे वो भी दिखाऊंगा मैं। मेरे को मतलब इंतजार इसी चीज का है कि कब वो चालू हो, कब उसको देखूंगा। तो गाइस, मैंने कराई एक बड़ा वाला ग्लास चाय का, मुझे क्या है एक्चुअली भूख नहीं थी बिल्कुल भी, और नुपुर ने ऑर्डर किया है पिज्जा, ये देखो मेरे जितना ही सुंदर है, और दीपक खाएगा थोड़ा ना, वैसे भूख नहीं है। मैंने ऐसे नहीं कहा, मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं थी, हल्की फुल्की भूख कहीं ना कहीं तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, पेट में यहाँ करूँ चाहे यहाँ करूँ, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा, करता हूँ मैं। 60 रुपीज की चाय है, मतलब चाय यहाँ पे स्टार्ट होती है 40 रुपीज से, दूध यहाँ पे सस्ता है चाय से। नहीं, दूध की प्राइस करीबन शायद 25 रुपए। अभी पिज्जा खाते हैं, नूपुर पिज्जा बताना कैसा है। अच्छा, मस्त है, कुछ यूनिक सा टेस्ट है। मुझे खिलाओ मैं बताऊंगा, तुम्हें तो आता नहीं है, टेस्ट तो थोड़ा यूनिक है। और देखो सामने लाइव कॉन्सर्ट चालू होने वाला है, वो लोग प्रिपेयर हो मतलब चुके हैं, कुछ और है। देखो गाइस, नुपुर कुछ ऐसा नाम है जिसको लोग बाग नुपुर नुपुर कहते हैं, तो नुक्कर भी कहते हैं, बा कहती थी, और नुकुर नुकुर नुकर नुपुर नौपौर। मेरी चाय भी देखो खुद ही पी रही है, देखो खुद ही बोला है कि पी ले। अरे झूठ बोल रही है, खा ले मम्मी। तुमने बोला कि चाय ले लो। एक बात बताऊं, चाय बहुत गंदी है गाइस, चाय बहुत गंदी है, तंदूरी वाली, आई डोंट लाइक इट। क्या कर रहा है यार, रात हो गई। तो हम फाइनली बाहर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो ये किसी की प्राइवेट नहीं है।
और इन दुकानों का रेंट भी काफी ज्यादा है गाइस। मतलब उसको देखते हुए अगर हम चीजों की अगर प्राइस का हिसाब लगाए ना तो किसी चीज का भी कोई भी ज्यादा प्राइस नहीं है। 30,000 प्लस GST तो काफी ज्यादा रेंट है इनका। अब अपन इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए शब्बा खैर, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर।